इन स्विच कुबेर डाउनलोड दाउ भाई साहब बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है आपके पैसे है जब चाहो आपके पास जब आप चाहो बिटकॉइन में ट्वेंटी फोर सेवन कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो सिंपल ट्रेडिबुल्लेक्सिबल hmm. ट्रेड कर बेफिक्र नमस्कार बेस अड्डा पर आपका स्वागत है सोशल मीडिया पे एक नया मीम चल रहा है आपने भी देखा होगा पेट्रोल का नया भाव पच्चीस रुपये पाओ मजाक उड़ाने के लिए अंदाज दिलचस्प हो सकता है लेकिन पेट्रोल कोई पाव भर तो लेता नहीं है पाव भर यानी ढाई सौ ग्राम और उससे भी कम यानी सौ ग्राम पचास ग्राम में जो तेल लिए जाते हैं वो हैं खाने के तेल या खाना बनाने के तेल मगर पेट्रोल डीजल के चक्कर में उनके भाव पर कुछ खास बातचीत नहीं हो रही है जबकि उनके भावों में भी कम आग नहीं लगी हुई है पिछले कुछ महीनों में तो इन तेलों की महंगाई बहुत तेज़ हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यानी मेरी अपनी रिसर्च नहीं है सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके हिसाब से मूंगफली का तेल 20 परसेंट सरसों का तेल 44 परसेंट से ज़्यादा वनस्पति करीब 45 परसेंट सोया का तेल करीब तिरपन परसेंट सूरजमुखी का तेल छप्पन परसेंट और पाम ऑयल करीब साढ़े चौवन परसेंट हुआ है ये आंकड़े 28 मई 2020 से 28 मई 2021 के बीच का हाल बताते हैं लेकिन बाजार पर नजर डालें तो तेजी का यह सफर अभी थमा नहीं है आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिग बास्केट पर मैंने भाव देखे तो अलग अलग तेलों के भाव क्या थे आइए देख लेते हैं सरसों का तेल एक रुपए से तीन रुपए लीटर तक मिल रहा था अलग अलग क्वालिटी के तेल होते हैं एक सामान्य सरसों का तेल एक एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड रोल्ड तमाम तरह की आजकल वेरायटीज़ चल रही हैं हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए तो ये भाव का जो वेरिएशन है वो इसलिए है ऐसा नहीं कि एक आदमी आपसे ज़्यादा वसूली कर रहा है एक ही तेल के तेल की अलग अलग वेरायटीज़ हैं उनके भाव हैं मूँगफली का तेल एक सौ से लेकर तीन सौ लीटर तक मिल रहा है नारियल का तेल दो सौ से शुरू होता है और सात सौ लीटर तक जाता है सोयाबीन का तेल एक सौ लीटर एक ही भाव मुझे मिला एक ही पैकेट दिखाई पड़ा वो एक सौ का था सूरजमुखी का तेल एक सौ रुपए से तीन सौ लीटर तक के भाव पे मिल रहा है और पाम ऑयल यानी पामोलिन वो भी एक सौ लीटर एक ही पैकेट दिखाई पड़ा लेकिन ये सारे दाम पिछले साल भर में बढ़े हुए हैं और पाम ऑयल क्यों कम दिख रहा है एक ही पैकेट दिख रहा है इसकी वजह है कि पाम ऑयल जो आता है वो बल्क में इम्पोर्ट होता है और वो जो बाकी तेलों के नाम मैंने आपको लिए इनमें से बहुत सारे तेलों में मिक्स करने के काम आता है दूसरे तेलों के साथ उसको मिक्स किया जाता है जब आप तेल खरीदते हैं तो उस वक्त देखिए कि उस तेल की जो इन्ग्रीडियंट्स लिखे हैं उनमें से कितना वो तेल है जिसका नाम आपको बताया जा रहा है यानी सरसों का तेल नारियल का तेल और कितना उसमें पाम ऑयल मिला हुआ है ये देखेंगे तो कई बार वो पैकेट देख कर ही आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप सोच कुछ रहे थे और इस्तेमाल कुछ और कर रहे हैं और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि जैसे मौसम के साथ साथ सब्जियां सस्ती हो जाती हैं वैसे ही तेल के दाम भी जल्दी कम हो जाएंगे तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए हालात ये बता रहे हैं कि दाम बढ़ने का इनका सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है सिर्फ ये तेल नहीं महंगे हो रहे हैं सारी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ यानी वो चीज़ें जिन्हें कंज्यूम किया जाता है कमोडिटी आइटम्स हैं और कमोडिटी के कारोबारियों का और सट्टेबाजों का कहना है कि इस वक्त वहाँ उसके बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेज़ी का एक सुपर साइकिल चल रहा है यानी एक महा तेज़ी चल रही है दुनिया भर में खाने पीने की चीजों और बाकी इस्तेमाल की चीजें जैसे धातुओं के मेटल्स के और कच्चे तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं चीनी का दाम भी बढ़ रहा है तेल के साथ साथ इस तेजी की एक बहुत बड़ी वजह वही है जो शेयर बाजार में तेजी की है यानी महामारी से निपटने के लिए तमाम सरकारें जो अपने अपने देश में लोगों को राहत के पैकेज बांट रही हैं नोट बांट रही हैं उनकी रकम बड़े पैमाने पर शेयर बाजार के साथ साथ कमोडिटी के मार्केट में भी आई हुई है जो यहाँ लगातार तेजी में आग में घी का काम कर रही है इसके अलावा इस साल की एक बात और है अमेरिका और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने की स्थिति है जिसकी वजह से सोया की फसल कमजोर हुई है और अगले साल भी वहाँ के किसान अब इसकी खेती से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ये ख़तरनाक फसल है इस बार नुकसान हो गया आपको पता है वो हमारे देश में भी होता है जिस फसल में इस बार नुकसान हो गया अगली बार सारे किसान उसको छोड़ के किसी और चीज़ पर जाते हैं यानी ये खतरा अभी और बढ़ने वाला है और दुनिया भर में खाने के तेल की कीमत की बढ़ने की एक वजह यह भी है कि ये तेल अब सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि बहुत से देशों में इसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल के साथ ईंधन के तौर पर भी होने लगा है जैसे भारत में पेट्रोल में मेथनॉल मिलाया जाता है आपने सुना होगा मेथनॉल ब्लेंडिंग होती है एथनॉल ब्लेंडिंग होती है यही वजह है इथेनॉल मिलाया जाता है यही वजह है कि जो तेज़ी इस वक्त इन बाज़ार में दिख रही हैं वो आने वाले समय में कम होने के कोई आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कोरोना की वजह से कारोबार भी अटका है पैदावार भी कम हो रही है लेकिन मांग में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो रही है चीन जैसे कुछ देश हैं जो इस वक्त अपना भंडार बढ़ाने के लिए तेल खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर जिसकी वजह से दुनिया भर में भाव बढ़ रहे हैं भारत में खाने के तेल की कुल खपत साल में दो करोड़ चालीस लाख टन के आसपास है जिसमें से हमारे देश में जो पैदावार होती है वो एक करोड़ टन से कुछ ऊपर है हल्का सा उससे ऊपर है तो यानी करीब करीब एक करोड़ चालीस लाख टन आपको बाहर से लाना होता है एक करोड़ तीस लाख टन से कुछ ऊपर का इंपोर्ट हुआ है जो कि छप्पन परसेंट हमारी रिक्वायरमेंट का है जो कुल मांग है उसका छप्पन परसेंट बाहर से आ रहा है ऊपर से टैक्स लगता है ड्यूटी लगती है वो इसको और महंगा बनाती हैं तो एक मांग हो सकती थी कि साहब टैक्स कम करिए ड्यूटी कम करिए इससे सस्ता हो जाएगा लेकिन खुद जो इस कारोबार में लगे हुए व्यापारी हैं उनका कहना है ये सरकार को ड्यूटी कतई नहीं घटानी चाहिए इम्पोर्ट ड्यूटी उससे यह तेल सस्ता नहीं होगा क्योंकि ऐसी खबर सुनते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ा दिए जाएंगे और वहाँ दाम बढ़ेंगे जिससे हमको फायदा नहीं होगा नुकसान होगा और उल्टे जो भारत में जितना तेल हो रहा है उसके व्यापारियों को उसके उत्पादकों को भी सही भाव नहीं मिलेगा तो अगली बार फिर लोग यहाँ भी उसकी फसल बोने से जो तिलहन की फसल है उससे भागेंगे तो इसलिए अब उनकी सलाह यह है ये तेल के व्यापारियों की सलाह है कि सरकार ही इंतज़ाम करे कि गरीबों को सस्ता तेल बांटने के लिए अपना पैसा खर्च करे उनको सब्सिडी दे और जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें राशन की दुकानें होती हैं वहाँ से उनको सस्ता तेल दिया जाए लेकिन अब सवाल यह है कि ये सरकार कितनी चीज़ों पर कितने दिन तक और कितने लोगों को राहत देने का इंतज़ाम कर पाएगी क्योंकि जो कल तक गरीब नहीं थे वो कल भी गरीब नहीं रहेंगे ये कहना आज के हालात में दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है बेज अड्डा में आज इतना ही आपसे आग्रह है कि आपको बेज अड्डा कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ और जानना सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए ताकि मैं आपकी वो इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगा धन्यवाद नमस्कार